नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा नेक्सोन का बेस वेरिएंट, एक्सी वेरिएंट है भाई ये, और ये है पेट्रोल इंजन के साथ। बाकी दूसरे वेरिएंट्स की तो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन बेस वेरिएंट की मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज देखेंगे इसमें क्या कुछ मिलता है, पूरा डिटेल से एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, इसके फीचर, इसका प्राइस, सारा कुछ आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में जो इसमें ग्रिल दी जाती है भाई, वो ग्लोसी ब्लैक मिलेगी, जैसे इससे ऊपर वाले वेरिएंट में मिलती है। यहाँ पे ये देखो, पूरा ग्लोसी ब्लैक है, बीच में टाटा का लोगो है। यहाँ पर मिल जाएगा आपको ये क्रोम, सेम वैसा ही सेटअप है जैसा इससे ऊपर वाले वेरिएंट में था, एक्स एम में था या फिर एक्स जेड में था। यहाँ पे जो हेडलैम्प दिया गया है वो भी वैसा ही दिया गया है, ये DRL मिल जाएंगी, यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलेगा, ये मिल जाएगा रिफ्लेक्टर बेस, और भाई यहाँ पे नीचे इसमें टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, फोग लैम्प इसमें नहीं मिलते, और यहाँ फोग लैम्प की साइड में ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट मिल जाएगा। नीचे वाली जो ग्रिल की बात करूँ, ट्राई एरो डिज़ाइन मिलेगा, मिलेगी पूरी मैट ब्लैक कलर में, आप रफ ब्लैक भी बोल सकते हैं इसको। और भाई ये इसका फ्रंट आप देख सकते हैं, इस टाइप से ये फ्रंट से लगेगी। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, ये है भाई इसका साइड प्रोफाइल। यहाँ पे आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा इसके टायर के ऊपर, और भाई इसमें आपको सिल्वर कलर के स्टील रिम मिलेंगे। 16 इंच का इसका टायर का साइज है, 195/60R16 टायर प्रोफाइल इसमें आपको मिल जाएगा। आगे मिलेंगे डिस्क ब्रेक, पीछे मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक, और भाई पतली सी एक क्लैडिंग दी गई है साइड में। जो इसके डोर हैंडल हैं वो भाई रफ ब्लैक कलर के मिलेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा एक की होल, ग्रे कलर है तो इसलिए साइड में जो पट्टी है वो वाइट कलर की मिलेगी। ORVM भाई इसके वही आपको रफ ब्लैक कलर के ही मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर यहाँ ORVM के ऊपर मिल जाएगा। ए पिलर ब्लैक टेप के साथ मिलेगा, बी पिलर भी और सी पिलर भी। ऊपर इसमें रूफ रेल नहीं दी जाती भाई, बेस वेरिएंट है, रूफ रेल नहीं मिलेगी, ना इसमें आपको एंटीना मिलेगा छत पे। स्पॉइलर मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हाई स्टॉप लैंप, लोकल फॉर वोकल के लिए यहाँ पे स्टिकर है, डिफोगर वाइपर वॉशर कुछ नहीं मिलेगा। ये वाला पार्ट सभी वेरिएंट में वाइट कलर का ही मिलता है, और यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक मिलता है, कोई भी वेरिएंट ले लो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है XMS, इसमें भी वाइट मिलेगा और यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, लेकिन इसमें साइड वाली जो पट्टी है वो ब्लैक कलर की मिल जाएगी। ये है भाई इसका जो डिफरेंस है, जो बाद में टाटा नेक्सोन में कंपनी ने किया था। इससे पहले ये पूरा सेम कलर आता था, जो साइड वाली पट्टी है और ये एक ही कलर की होती थी, वो अजीब सी लगती थी देखने में। अब भाई यहाँ नीचे बात करें, यहाँ पे नेक्सोन लिखा हुआ मिलेगा। बूट भाई इसका आगे से ही ओपन होगा, यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ना कोई की होल मिलेगा, ना कोई यहाँ पे आपको बटन मिलेगा। नीचे नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाएगा, दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे बम्पर के ऊपर ही, और बम्पर का जो लोअर पार्ट है वो मैट ब्लैक में ही मिलेगा। नीचे यहाँ पे ये जो स्किड प्लेट वाला एरिया है ये भी ब्लैक कलर का ही मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी। ये रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, साइड में ग्लोसी ब्लैक इसमें दिया गया है। ये है भाई इसका टेल लाइट का डिज़ाइन, ये देखो, ये वाला पार्ट आपको DRL मिलेगा, ये हैलोजन मिल जाएगा, ये भी हैलोजन मिलेगा। ये था इसका रियर प्रोफाइल। अब इस साइड बात करूं, 44 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलेगा, पेट्रोल इंजन है ये तो आप यहां से पेट्रोल भरवा सकते हैं, फ्यूल फिलर कैप आपको मिल जाएगा। इस साइड भी आपको ये की होल इसमें दिया गया है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, ये देखो भाई इसका इंटीरियर, ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा इसमें आपको। इसके जो सीट्स हैं वो भी ब्लैक कलर की मिलेंगी, डैशबोर्ड भी ब्लैक मिलेगा, डोर है वो भी पूरा आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्लोसी कलर मिल जाएगा ये, और भाई ये वाला पार्ट है जो वो पूरा आपको रफ ब्लैक प्लास्टिक के साथ ही मिलेगा। दो पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। जो इसका डोर ओपनर है वो भी रफ ब्लैक प्लास्टिक का ही मिलेगा, और यहाँ पे ट्विटर के लिए स्पेस है, यहाँ पे मिल जाएगा स्पीकर के लिए थोड़ा सा आपको ये स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे बोतल रखने के लिए स्पेस दिया गया है, अम्ब्रेला होल्डर यहाँ पे दिया गया है। भाई बेस वेरिएंट है, इसमें भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सीट की, सीट भाई इसमें फैब्रिक सीट मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं सीट का डिज़ाइन। और भाई यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट करने के लिए कोई भी लीवर इसमें नहीं दिया गया, ये आपको 6-way एडजस्टेबल सीट मिल जाएंगी। यहाँ पे जो इसका हेडरेस्ट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे इसको रिक्लाइन कर सकते हैं और स्लाइड कर सकते हैं। अगर मैं सीट के कंफर्ट वगैरह की बात करूँ तो कंफर्ट सेम वैसा ही है जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में था। यहाँ सीट की कुशनिंग में या फिर सीट का जो फैब्रिक है उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं की गई। इसका जो फैब्रिक है वो भी बढ़िया क्वालिटी का इस पर यूज़ किया गया है, और अच्छी खासी कुशनिंग मिल जाएगी, काफ़ी कम्फर्टेबल है सीट। अंडर थाई स्पोर्ट की बात करूँ वो भी भाई इसमें परफेक्ट दिया गया है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है इसमें अंडर थाई स्पोर्ट, यहाँ पे मेरे को कोई इसमें दिक्कत नहीं लग रही सीट में। जो इसका बैक स्पोर्ट है सीट का वो भी कंफर्टेबल है, और ये जो साइड दिया गया है सीट का जो साइड वाला पार्ट है ये भी अच्छे से होल्ड करके रखता है आपको। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, ये देखो भाई ऊपर पूरा यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक मिलेगा,
डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी सेम वैसा है और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी भाई वैसी ही है जो आपको XZ वेरिएंट में मिलेगी। यहाँ पे आपको कहीं भी कोई कटौती नहीं मिलेगी कि भाई बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी इसमें अलग कर दी हो, जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट है उनमें और बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक लगा दिया हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको फिट एंड फिनिश प्लास्टिक सब कुछ आपको वैसा ही मिलेगा जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में था। ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा मैट ब्लैक कलर में, ये वाला पार्ट आपको ये टेक्सचर के साथ मिलेगा, इस टाइप का इसमें टेक्सचर मिलेगा। यहाँ पे स्पेस मिलेगा क्योंकि भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं होता, बेस वेरिएंट है। ये है इसके सेंटर वाले एसी के वेंट, वो साइड वाले। यहाँ पे आपको ये ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, ये देखो बेस वेरिएंट है, लेकिन फिर भी टाटा ने कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी भाई। ये नहीं बोल सकते आप कि भाई ये तो बेस वेरिएंट है, इसमें भाई बैठने का मन ही नहीं करेगा। दूसरा आप ये देखो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिल जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे आपको ये मैट ग्रे कलर मिलेगा, ये ग्लोसी सिल्वर कलर मिलता है डोर्स के ऊपर, यहाँ पे भी ग्लोसी सिल्वर कलर मिल जाएगा। इसमें आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, ये मोड्स चेंज करने के लिए एसी के, ये ब्लोअर की स्पीड के लिए, ये टेम्परेचर सेट करने के लिए, ये एसी ऑन ऑफ करने के लिए, और ये है भाई एयर सर्कुलेशन के लिए। यहाँ पे सारे डमी बटन मिलेंगे, बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और भाई ऑक्स वगैरह की यहाँ पे कोई भी आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी क्योंकि म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो इसलिए नीचे यहाँ पे ऑक्स और यूएसबी का पोर्ट भी नहीं मिलेगा। ये हैजार्ड लाइट का स्विच है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे गियर नॉब, इसमें भाई रफ ब्लैक प्लास्टिक का मिलेगा। बैक गियर लगाने के लिए इसको ऐसे उठा के तब बैक गियर लगाएंगे यहाँ पे, और भाई यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। इसमें जो गियर नॉब है उसकी साइड में यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, यहाँ पे ग्लोसी सिल्वर कलर मिल जाएगा, ये दोनों साइड में। ये वाला आपको मैट ब्लैक कलर मिलेगा, ये कप होल्डर मिलेंगे, ये आपको कप होल्डर मिल जाएगा, और भाई यहाँ पे आपको मैनुअल इसका ये हैंड ब्रेक दिया गया है। इसमें आपको आर्मरेस्ट मिलता, बेस वेरिएंट है। 3 यहाँ पे आपको मोड मिल जाएंगे बेस वेरिएंट में भी, इको सिटी स्पोर्ट, और भाई ये टाटा की हर एक गाड़ी में आपको मिलेगा। यहाँ पे हुक भी दिया होता है टाटा की गाड़ियों में, इस पर ध्यान नहीं जाता नॉर्मली, जब बैठते हैं देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन ये टाटा की हर एक गाड़ी में मिलेगा। पंच में भी मिलेगा, आपको अल्ट्रोज में भी मिलेगा, नेक्सोन में भी मिलेगा, हैरियर में मिलेगा, सब में यहाँ पे हुक दिया होता है। अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। ये भाई देखो कितने प्यार से खुलता है, यहाँ पे बटन दिया गया है और कितना बड़ा ग्लव बॉक्स इसमें दिया गया है। बेस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे ये ट्रे एज इट इज़ मिलेगी, जो XZ, XZ प्लस, XZ प्लस प्रीमियम वगैरह जो भी ऊपर वेरिएंट है टॉप वेरिएंट उनमें मिलती है, वैसे ही इसमें ये ट्रे दी गई है। सारी चीज़ें आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, थोड़ा स्पेस ये मिलेगा, ये पेन रखने के लिए अलग से है, कार्ड रखने के लिए अलग से है, वहाँ अलग से अंदर स्पेस दिया गया है, वहाँ पे डायरी बुक्स वगैरह जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। इसमें लाइट नहीं मिलेगी ना भैया, कूल्ड मिलेगा। अब इसको करते हैं बंद। यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला डोर सेम वैसा ही है जैसा ड्राइवर साइड का था। यहाँ पे भी आपको ये पावर विंडो का कंट्रोल मिलेगा, ग्लोसी सिल्वर कलर ये मिलेगा, यहाँ पे बोतल रखने के लिए स्पेस है, अम्ब्रेला होल्डर है, फाइल रखने के लिए स्पेस है, ये डोर ओपनर है, ये है ट्विटर के लिए स्पेस, यहाँ पे है स्पीकर के लिए। अब भाई जो इसके ORVM है वो आपको ऐसे मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे और फोल्ड भी हाथ से ही करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं ऊपर, यहाँ पे फोल्डेबल आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, वैनिटी मिरर, सनग्लास होल्डर, व्हाइट कलर की कैबिन लाइट है, IRVM डे नाइट एडजस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे टिकट होल्डर भी दिया गया है। ये हो गया। अब बात करते हैं भाई इसके स्टेयरिंग की। डी कट स्टेयरिंग मिलेगा और भाई रबड़ रैप स्टेयरिंग मिल जाएगा इसमें। यहाँ पे ग्लोसी सिल्वर कलर मिल जाएगा ये वाला, और यहाँ पे मिलेगा मैट ग्रे कलर। यहाँ पे टाटा का लोगो, एक एयरबैग यहाँ मिलेगा, एक एयरबैग आपको मिल जाएगा वहाँ पे, 2 एयरबैग इसमें दिए जाते हैं। ये है वाइपर के लिए नॉब, ये है हेडलैम्प के लिए, ये है इसका हेडलाइट लेवलर। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। यहाँ पे आपको इसमें ये मिल जाएगा इसका डिजिटल टैकोमीटर, ये डिजिटल स्पीड यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे टेम्परेचर के लिए, यहाँ पे फ्यूल के लिए ये गेज मिलेगा, और भाई यहाँ पे बाकी और सारे फंक्शन आपको मिलेंगे, जैसे रिफ्यूल के लिए यहाँ पे वार्निंग आई है, डिस्टेंस टू एम्प्टी ऊपर शो कर रहा है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। यहाँ पे मिल जाएगा ऑडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, बस भाई ये इसमें सारी चीज़ें शो करता है। यहाँ पे ये मोड शो करेगा, जैसे ही मैं मोड चेंज करूँगा ये यहाँ पे इको मोड आ गया, और करूँगा तो भाई यहाँ पे स्पोर्ट मोड आ गया। इसमें स्पीकर नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो इसलिए भैया बोल के नहीं बताएगी, अगर इसमें स्पीकर होते तो ये बोल के भी बताती, स्पोर्ट मोड एक्टिवेटेड, इको मोड एक्टिवेटेड। यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं, डोर ओपन के लिए यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी। भाई आपने गाड़ी देखी होंगी, बेस वेरिएंट भी देखे हैं आपने दूसरी गाड़ियों के, उनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो छोड़ो, उसमें टैकोमीटर भी नहीं होता, टेम्परेचर के लिए भी नहीं होता, जो ये इंजन का टेम्परेचर बताता है ना कूलेंट का, ये भी नहीं होता। तो ये तो बेस वेरिएंट में ये देख सकते हैं आप किस टाइप का इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।
अब भैया आप बड़ा ही बोलो, टाटा नेक्सोन या कुछ भी बोलो, तो जो अच्छी बात है वो भाई बतानी पड़ेगी। स्टेयरिंग इसमें टिल्ट एडजस्टेबल दिया गया है, थोड़ा सा स्पेस ये दिया गया है, यहाँ पे सामान वगैरह आप रख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड रो में, वहाँ पे देखते हैं क्या इसमें मिलता है। डोर तो सेम वैसा ही है, ब्लैक है पूरा थीम डोर का, तो यहाँ पे आपको वही ग्लोसी सिल्वर कलर मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस ये मिलेगा। डोर ओपनर है, ये ट्विटर के लिए जगह है, यहाँ पे मिल जाएगा ये स्पीकर के लिए। मैनुअल पीछे वाले विंडोज़ मिलेंगे आपको, यहाँ पे बोतल रखने के लिए स्पेस है, थोड़ा सा ये स्पेस और दिया गया है। ये इस टाइप का टेक्सचर मिल जाएगा डोर के ऊपर। अब चलते हैं सीट पे और सीट दिखाता हूँ आपको। जो इसके हेडरेस्ट हैं वो भाई फिक्स मिलेंगे, तीन सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलेगा, पूरी इसमें बेंच सीट ही मिलती है। यहाँ पे बीच में आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। इसोफिक्स सीट के लिए हुक भी दिए गए हैं। अब भाई अंदर बैठ के आपको सीट का कम्फर्ट और बताता हूँ, पीछे वाली सीट का। भाई कोई भी इसमें आपको कमी नहीं लगेगी सीट में, क्योंकि मैं XM वेरिएंट में बैठा था, XMS वेरिएंट में बैठा हूँ, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में बैठा हूँ, XZ प्लस में भी बैठा था, XZ प्लस में भी आपको फैब्रिक सीट ही मिलती है। लेकिन जैसी सीट XZ प्लस में दी गई है ना, सेम वैसी ही सीट आपको XE वेरिएंट में मिलेगी, जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है, जो फैब्रिक का यूज़ किया गया है। मेरे को वो फैब्रिक भी भाई वैसा ही लग रहा है जैसा XZ प्लस वेरिएंट में था। अंडर थाई स्पोर्ट की भी इसमें कोई कमी नहीं है, पीछे वाली सीट पे भी, बेस वेरिएंट में भी। यहाँ पे दिक्कत ये टाटा नेक्सोन में सारे वेरिएंट में ही है, ये हम्प होता है भाई, तो इसलिए सेंटर वाले बंदे को इसमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपको सेंटर में कोई भी एसी का वेंट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, और भाई चार्जिंग के लिए भी पीछे कोई सॉकेट यहाँ पे नहीं मिलता। हुक मिल जाएगा यहाँ पिलर के ऊपर, यहाँ पीछे इसमें ये आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलते, ग्रैब हैंडल सिर्फ एक मिलेगा आगे की तरफ। ये था भाई XE वेरिएंट का इंटीरियर। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, LED इसमें लाइट मिलेगी, कैबिन लाइट, वैनिटी मिरर मिल जाएगा बेस वेरिएंट में ही। और भाई आपको यहाँ पे ये हुक्स मिल जाएंगे, सीट है जो वो भी पूरी कंफर्टेबल मिलेंगी, और डिजिटल इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, ये तीन इसमें ड्राइव मोड मिल जाएंगे। ये भाई बेस वेरिएंट में ही टाटा ने इतने फीचर्स इसमें दिए हैं। अब बात करते हैं इसके बूट की, और बूट पे देखते हैं क्या कुछ इसमें मिलता है। बूट भाई आगे से ही ओपन करना पड़ेगा, बूट ओपन करने के लिए पीछे नहीं दिया गया इसमें कुछ, यहाँ पे ये बटन दिया गया है। 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी इसमें पार्सल ट्रेन नहीं मिलेगी। 3-3 kg के आपको ये हुक मिल जाएंगे, 4 यहाँ पे बूट लैंप नहीं दिया जाता भाई बेस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको ये पंचर किट मिलेगी, बाकी और इसका जो सामान है वो यहाँ पे नीचे रखा गया है। अगर स्पेयर व्हील की बात करूँ तो 16 इंच का ही मिलेगा, 195/60R16 इसका टायर प्रोफाइल है। वही आपको स्टील रिम इसमें मिल जाता है। यहाँ पे ये भाई पंचर किट रखने के लिए अलग से दिया गया है आपको। एक चीज़ और, जो इसका ये स्पेयर व्हील था उसमें जो रिम दिया गया है वो ब्लैक कलर का है, लेकिन जो ये 4 इसमें रिम मिलेंगे जो गाड़ी में लगे हुए हैं वो भाई सिल्वर कलर के हैं। ऐसा टाटा ने क्यों किया भाई वो पता नहीं, ये भी ब्लैक कर देते या फिर वो भी सिल्वर कर देते, अब पता नहीं ऐसा क्यों किया। ये था भाई टाटा नेक्सोन का XE वेरिएंट पेट्रोल इंजन के साथ। अगर इसके मैं इंजन की बात करूं तो भाई इसमें 1200cc का आपको इंजन मिलता है, और भाई 3 सिलेंडर इंजन दिया जाता है इसमें। और भाई इसके अगर पावर की बात करूं तो 118 BHP की इसमें आपको पावर मिलेगी, और 170 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। कंपनी भाई 17 की माइलेज क्लेम करती है, और टाटा की गाड़ियों में आप माइलेज अच्छी निकाल सकते हैं अगर प्यार से इनको चलाओ। मैंने पहले भी बताया था, मैंने पंच भी चला के देखी है और मैंने नेक्सोन भी यूज़ करके देखी, जो माइलेज ये बताते हैं उतनी माइलेज बिल्कुल आराम से निकाल देती है टाटा की हर एक गाड़ी। जैसे नेक्सोन ही है 17 की बता रहे हैं, तो 17-18 की ये भी आराम से निकाल देगी। उसके लिए आपको लाइट फुट पे इसको चलाना पड़ेगा। अगर इसको ज़्यादा एक्सीलरेट करोगे आप, एकदम रफ इसको चलाओगे, तो फिर माइलेज भाई कोई भी पेट्रोल गाड़ी नहीं देगी, चाहे वो मारुति की हो या हुंडई की हो या कोई भी और किसी भी ब्रांड की हो, कोई भी पेट्रोल गाड़ी आपको माइलेज नहीं देगी। ये था टाटा नेक्सोन का XE वेरिएंट बेस वेरिएंट, 770,000 एक्सशोरूम कीमत है इसकी। कमेंट करके भाई ज़रूर बताना XE वेरिएंट आपको कैसा लगा, इसमें जो फीचर्स दिए जाते हैं वो आपको कैसे लगे बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग, और इसकी जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग 770,000 इसकी कीमत के अकॉर्डिंग इसमें जो फीचर दिए जाते हैं वो आपको कैसे लगे। चलो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद।